बोलिए सद्गुरुदेव की। जब आपके घर में बच्चों के जन्म उत्सव पर सत्संग रखा जाता है तो वहां पर सत्य की चर्चा होती है, बातें होती हैं, भजन गाते हैं, गुनगुनाते हैं, भक्ति के रंग भक्तिमय घर परिवार हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो मन उसमें जब रमता है एक घंटा दो घंटा, तो वो संस्कार बच्चों के माता पिता पर पड़ता है। जब माता पिता पर पड़ता है तो माता पिता बच्चों के सृष्टिकर्ता कौन है, विधाता कौन है, माता पिता है। माँ जो खाती है, माँ जो पीती है, वो गर्भस्थ शिशु को प्रभाव पड़ता है। और माँ जो जब वो बाहर आ जाता है, जब बच्चा बाहर आ जाता है, महात्मा गांधी ने कहा था कि मैंने कबीर के विचारों को, संत रविदास जी के विचारों को अपने माँ के दूध से पिया है। क्या कहा था महात्मा गांधी ने, मैंने संत कबीर के विचारों को, संत रविदास जी के विचारों को, संतों के विचारों को अपने माँ के दूध के साथ पिया है। कहने का भाव, कहने का भाव है कि बच्चे आपके अच्छे हो इसके पहले किसको अच्छा होना है। इसीलिए कबीर साहब इसी दृष्टि को रखते हुए संत सम्राट सदगुरु कबीर ने कहा कि पहले जन्म बाप का भयो अब पाछे, पहले जन्म पुत्र का भयो बाप जन्म या पाछे। ठीक, हम उल्टे बोल दिए, खैर उल्टी खोपड़ी तो रहती है कबीर वाणी। तो कहने का मतलब है कि पहले जन्म पुत्र का भयो बाप जन्म या पाछे। यदि इस संसार में कोई भी आता है तो पहले किस रूप में आता है, सदगुरु कबीर याद दिलाते हैं हम लोग पहले किस रूप में आए हैं, पुत्र के रूप में आए हैं। और पुत्र ही एक दिन क्या बनता है, पिता बनता है। ये बात समझ में नहीं आती है, कितनी उल्टी बात है। सच में सदगुरु कबीर कैसे कैसे विचित्र बात करते हैं, पहले जन्म पुत्र का भयो बाप जन्म या पाछे अगर कहेगा किसी को तो लोगों को नहीं लगेगा ये खोपड़ी खराब नहीं हो गई कबीर साहब के। लेकिन बात अगर समझ जाएं एकदम आप और हम गलत हो जाएंगे सीधे साधे। देखिए कैसे, पहले पुत्र के रूप में इस संसार में कोई आता है, उसके बाद माँ के सहारे वो पलता है, बड़ा होता है, पिता के सहारे बड़ा होता है, उनके आशीष से, उनके कमाई से वो पढ़ता है, लिखता है, आगे बढ़ता है। वो चाहे जैसे भी होता है, माता पिता परिवार समाज दादा दादी जो भी कह लें आप, रिश्ते नाते, उन्हीं में पल करके जब बड़ा होता है तब कहते हैं बेटा जवान बिगले, हाँ पता नहीं छोड़वा खराब नहीं हो जाए, हम सुने हैं ना यार, अब शादी के योग हो गई, अब बेटा की शादी करा देना चाहिए, माता पिता की चिंता हो जाती, शादी कराते हैं। तब उनके जब शादी हो जाती है तब कौन आता है, तब उनके बेटे आते हैं, बेटे का बेटे। तो पहले जन्म किसका होता है, पुत्र का। यदि पुत्र सुधर जाए, यदि पुत्र पर ध्यान दिया जाए तो जो आने वाला पीढ़ी है वो अपने आप सुधर जाए। अगर बाप सुधर जाए तो बेटे को सुधरने में देरी नहीं है। अब सुधरेंगे कब, कब सुधरेंगे, कहते बहुत सारे बाप हैं जो सुधरे तो हैं लेकिन बेटा नहीं सुधरा है। इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, कहीं ना कहीं हम में खोट होती है जो पुत्रों में बिना कहे बिना बताए बिना देखे उनमें चला जाता है। एक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा था, आप सब कितने बार सुने हैं, और सब बच्चे से पूछा गया कि बेटा ए तुम क्या बनोगे, सबका नाम ले लेकर के। तो सबने कहा, जिनका पिता जो था उन्होंने वो कहा कि मैं किसान बनूंगा, मेरे पिता फार्मर हैं,
किसान है, मैं किसान बनूंगा सर। और कहा कि मेरे पिताजी डॉक्टर है, डॉक्टर बनूंगा। मेरे पिताजी टीचर है, टीचर बनूंगा। जैसा जैसा जिनका था उन्होंने कहा। एक लड़का चुप रहा और इमोशनल हो गया, चेहरे पर बड़े आंसू जैसे हो गए और चुपचाप रह गए, वो बोलने ही नहीं लगे। कहा कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या कहा टीचर ने? कहा तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, आखिर बात क्या है? कहा कि मैं कल बताऊंगा। क्या कहा? मैं कल बताऊंगा, मैं सर आज नहीं बता पाऊंगा। कहे कोई बात नहीं, कल ही बता देना। जब तुम्हारा मन है आज नहीं बताने का तो कल ही बता देना, ठीक है। लड़का गया घर, एक कोने में जाकर पुस्तक रखा और जाकर कोने में चुपचाप बैठ गया। ना खाया ना पिया ना राज, रोने लगा। रो रहा था, उनके मम्मी पूछे कि बेटा तुम रो क्यों रहा है, क्या स्कूल में किसी ने कुछ कहा, तुमको किसी ने डांटा कि टीचर ने आज मारा है, कुछ कहा है, तुम दुखी क्यों क्यों रो रहे हो, क्या हुआ बेटा? वो कुछ नहीं बोला। कहा मुझे किसी ने नहीं मारा है। लास्ट में जब बहुत जिद की माँ, तो माँ को उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने नहीं मारा है, ना किसी ने डांटा है, पापा आएंगे तब बताएंगे, मतलब पिताजी आएंगे तब बताएंगे। तो पिताजी आए, जब पापा आए तो कहा कि उनकी मम्मी बोले कि आज से आपके बेटे बहुत नाराज हैं और रो रहे हैं, खाना भी नहीं खाए हैं। तो उनको भी मन में चोट पहुंची कि आखिर बात क्या है। कहा कि बेटा हुआ क्या, तुम बताओ तो सही, क्या हुआ? तो लड़के ने कहा पापा स्कूल में सभी बच्चों से पूछा गया कि तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे। किसी ने कहा कि मैं टीचर बनूंगा, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं वकील बनूंगा, किसी ने कहा इंजीनियरिंग करूंगा या बनूंगा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। पिताजी मैं क्या कहूं कि मेरे पिताजी शराब पीते हैं रात दिन, मैं शराबी बनूंगा। ऐसे वो आओ में आकर के कह दिया और बल बल करके रोने लगा, इतना रोने लगा फूट फूट करके। पिता को रहा नहीं गया और पिता ने संकल्प लिया, बेटा सुन, यदि तुम इतना ही दुखी है, इतना ही परेशान है, तो मैं आज से संकल्प लेता हूँ, जा तुम कल से कह देना कि मैं भी आज से संकल्प लेता हूँ कि शराब को छूऊंगा नहीं जिंदगी भर, ये मैं संकल्प लेता हूँ, दृढ़ संकल्प लेता हूँ, मैं आज से आदमी बनता हूँ, इंसान बनता हूँ। और तुम जाओ कल कह देना अपने टीचर से मैं एक इंसान का बच्चा हूँ, इंसान बनूंगा। बोलिए सदगुरुदेव की। तो पिता सूत्रधार है अपने बच्चों का, माँ कर्णधार है अपने पुत्र का, पुत्री का। आप धन कितना देते हैं, कम देते हैं कि ज्यादा देते हैं, ये बाद में काम नहीं आएगा। आप संस्कार कितना देते हैं, आप उन बच्चों को सिखाते कितना है, ये कैसे होगा? जो माता पिता गलत करेंगे उनके बच्चे अच्छे होंगे, या जो अच्छा करेंगे? ये अच्छा, ये बताइए माता पिता को कहां से संस्कार मिलेगा? कौन है जो हमें सहारा देकर धर्म के पथ पर, भक्ति के पथ पर अग्रसित करेगा? कौन है ऐसा आदमी इस दुनिया में? कहां ऐसा स्कूल विद्यालय खुला है? तिनटेंगा में कोई ऐसा विद्यालय है जहां पर आदमी के बुद्धि के, बच्चों के मन को, बिगड़े हुए मन को ठीक किया जाता हो? बच्चों के संस्कार के लिए कोई ऐसा विद्यालय खुला है? कोई ऐसा पंचायत भवन है? नहीं है। ये जीता जागता संत है, सत्संग है, कथा है, प्रवचन है, जो कहिए आप। जहां भी कुछ अच्छी चर्चा होती है वो मानिए कि आपके लिए सबसे बड़ा आधार है, सहारा है। बिना गुरु के,
मैं अभी वहां अभी जहां मैं सत्संग करके आया हूं, यह कहना चाहिए निवेदन करके आया हूं, उसी घर में प्रसंगानुसार बात खुली थी कि जब शादी होती है, जब शादी करते हैं तो दो पक्ष से लड़का और लड़की, तो लड़का लड़की जिस दिन शादी करे, जिस दिन से वैवाहिक जीवन अपनाता है, उसी दिन से वो संतान को संस्कार देने का काम शुरू कर दे, उसी दिन से। उसी अगर वो चाहे कि हमारा अच्छा पुत्र आए, हमारा अच्छा बेटा आए जो मेरे को सुकून दे, आप यदि पुत्र से सुकून चाहते हैं तो उसी दिन से आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आने वाला जो सपुत्र हो, पुत्री हो, वो ऑटोमेटिक ऐसा जन्म ही लेगा। ऐसा तपस्या करिए। माता पिता तो तपस्विनी या तपस्या के योग्य होते हैं। ये जीवन पुत्र को जन्म देना बहुत बड़ी बात है साहब। बच्चा जन्म कोई भी दे सकता है, सपुत्र जन्म कोई कोई माँ और पिता देते हैं, लाल को जन्म कोई कोई देते हैं, जो तपस्या तपस्वीमय जीवन बिताते हैं, जो चरित्रवान जीवन बिताती है या बिताता है, जो अपने वैवाहिक जीवन के काल से ही सभ्य होकर के रहती है, सदाचार में रहती है, गलत नहीं बोलती है, गलत नहीं चलता है, ध्यान पूजा करती है, बड़ों का सम्मान करती है या बड़ों का सम्मान करता है लड़का, उनका ही बच्चा श्रवण हो सकता है, राम हो सकता है, अन्यथा नहीं। उसी के बेटी लक्ष्मीबाई हो सकती है, मीरा हो सकती है। कहने का मतलब है उसी की बेटी सभ्य हो सकती है, हो सकता है जिनका ऐसा विचार पहले से होगा। ये सब शिक्षा तब आपको मिलेगा जब आप धर्म से जुड़े होंगे। इसका मूल आधार है धर्म और भक्ति। आप शिव चर्चा करते हैं कि भागवत करते हैं कि किस देवता को मानते हैं, ये आपका विषय है। गुरु किसको किए हैं, महर्षि मही बाबा से जुड़े हैं कि कबीर साहब से जुड़े हैं, जुड़े किस से हैं, किस देवी देवता को मानते हैं, ये बहुत मायने नहीं रखता है। जुड़ करके आप करते क्या हैं, आपका जीवन कैसा है, हमारा आपका मन कैसा है, आप मंदिर कितना देर जाते हैं, पूजा पर कितना देर बैठते हैं। बैठना बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, खुशी की बात नहीं है। बैठना हम अपने को संस्कारित करने का काम है, कार्य है, ये सब ठीक है, लेकिन उसका परिणाम क्या होना चाहिए। धर्म का लक्षण है धृति क्षमा दमो अस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये ना पंथ की बात है, ना परंपरा की बात है, ये शाश्वत और सत्य है और सबके लिए जरूरी है। आप चाहे जिसको माने, जिस देवी को माने, वो आपका विषय में कहा पहले। तो जब ऐसा करेंगे, धैर्य रखेंगे, मन को गलत विचारों से हटाएंगे, मन को क्रोध से हटाएंगे, मन को अच्छे दिशा में लगाएंगे, धृति क्षमा का पालन करेंगे। आपके बच्चों ने गलती कर दिया,
अब आप उसके ऊपर तड़क मतलब इतना ना अब उसको आप भला बुरा कहने लगे, इतना ना गाली देने लगे कटु गंदे गंदे अभद्र गालियां, बच्चे क्या हो, बच्चे सुधरेगा तो क्षमा कर दे, गलती करे माँ क्षमा करे, माँ वही जो क्षमा कर दे, पिता वही बड़े जो अपने पुत्र के गलतियों पर प्यार से समझाए, प्रयोग करिए। आपका पुत्र आपसे प्रेम ना करे तो भी आप प्रेम करिए, ये धर्म का लक्षण है। क्या ऐसा करते हैं, एक गलती आपके बेटा बेटी कर दे तो आप उसको सौ कहते हैं, और कहना तो बुरा नहीं है लेकिन कहते कैसे, बहुत कटु कहते हैं, और कटुता का परिणाम क्या होता है, वो बिगड़ जाता है, सुधरने के अलावा और क्या होता है, बिगड़ जाता है, और उसके अंदर द्वेष पैदा हो जाता है, हमारे माँ हमारे पिता तो हमारे दुश्मन, दुर्भावना आ जाता है। बच्चों प्यार से समझाएं, बेटा गलती करे तुमको कहे बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो बेटा समझदार हो, देखो बेटी ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे समाज के विरुद्ध है, हमारे परिवार के विरुद्ध है, तुम यदि बेटा एक गलती करोगे तो पूरा परिवार बदनाम होगा, बेटा ऐसा मत करो, ये सब तरीका है कहने का, बेटी तुम गलती करोगी तो हमारे पूरे परिवार का जो है इज्जत चली जाएगी, उसको पहले से आप इस ढंग से कहें, ना कि तुरंत आग बबूला हो जाए, प्रेम में वो शक्ति है। देखिए दुनिया को जीतने के लिए तलवार चाहिए, अगर कोई आप दुष्ट और दुश्मन से जीतने के लिए क्या चाहिए, तलवार। यदि दुनिया को जीतना हो ना, किसी ने लिखा है कि किसी से जीतने के लिए दुष्ट से दुश्मन से तलवार चाहिए, और पूरी दुनिया को जीतने के लिए बस सिर्फ प्रेम चाहिए, प्रेम। मैंने कहा समापन करूं कि हम सब अपने को हृदय को शुद्ध करें, क्या करें, पहले माता पिता अपने हृदय को शुद्ध करें, यदि सपुत्र संतान अगर चाहते हैं कि संस्कारी आए अच्छा बने, पुत्री अच्छी हो जो मेरे नाज हो परिवार का ताज हो, जो मेरी इज्जत को रखे आबरू को रखे, यदि ये चाहते हैं तो आज से माता पिता जो बनने वाले हैं युवा युवती, वो अभी से संकल्प ले लें कि मैं ऐसा जीऊंगी कि इस देश को एक ऐसा लाल दूंगा, ये ऐसी पुत्री दूंगी जो कि कल तीन पीढ़ियों को बचाने वाली होगी या तीन पीढ़ी को बचाने वाला होगा, ऐसा कौन सोचता है। लेकिन हम सब कायर हैं, क्या कायर हैं, हम कहते हैं क्या करें बाबा, हमको तो ये बुरी आदत लग गई है अब छूटने वाला नहीं है, ये कायर का काम है कि हम बुरे हैं तो बुरे ही रहेंगे, बहादुर का काम ये है कि हम में बुराई है मैं संकल्प लेता हूं कि आज से ये बुराई छोड़ने का प्रयास करूंगा। मैं युवा लोगों को कहता हूं, खासकर ये युवा ही कल का ये समाज का नेता बनेगा, अगवा बनेगा, घर का परिवार का समाज का जो कह ले, और ये युवती और माता पिता तो सिरोधार्य है ही, तो सबसे पहले ध्यान दें, कथा सुनते हैं सत्संग सुनते हैं, छोटी सी घटना को पूजा पाठ खूब करते हैं, अभी वहां भी ये कहा पहले गांव में कल और नल कुछ नहीं रहा, आज नल जल व्यवस्था है, कल व्यवस्था है, और पहले ये सब कुछ नहीं था, मौनी बाबा कुटी में एक कुआं था उसी में लोग पानी लेने के लिए पूरे गांव वाले जाते थे, ऐसा मैं सुना हूं, ऐसा ही रहा पर हर गांव में पहले, तो कुआं में दो कुत्ता बहुत, कुत्ते की लड़ाई तो जानते ही हैं आप, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे रहता है जबरदस्त लड़ाइयां होती है, दो कुत्ते लड़ते लड़ते कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया रात में फूल गया और उनका गंध पानी में हो गया, जब दुर्गंधी पानी में आई
पानी गांव वाले लोग सुबह लेना शुरू किए, तो अब कुआं से पानी पिए लोग, ले जा करके कोई खाना बनाए, एक आदमी पिया, कहा कि पानी तो गंदा रहा है, बहुत गंदा रहा है पानी, ऐसा क्यों, क्या हो गया? फिर दूसरे आदमी ले गए, कहे वो भी, सब ले जाए वही बात, घबरा गए गांव वाले, एक ही कुआं है, परेशान हुए, कहा लगता है कि कुआं माता जो है ना नाराज हो गया है, नाराज हो गई है, हाँ कमला माता, कमला माता, कुआं माता जो है, कुआं देवी जो है गुस्से में आ गए, इसके बाद पूजा कराओ, भागवत कराओ, यहाँ जा करके नीपा पोछा, वहां पूजा पाठ किए और वहां पर किए, चंडी गौरी गोदावरी नर्मदा पवित्र हो जाए सोहा, सब किया, खूब किए, एक एक घंटा हुआ, प्रसाद वितरण हुआ, फिर कुआं से पानी निकाला और दुर्गंध बढ़ गया, बड़ी विचित्र, घबराए लोग, अरे ये तो दो तीन दिन में मर जाएंगे सब लोग, कुआं एक ही है। फिर कोई प्रयास किया कि अब इससे नहीं होगा, चलो बहुत बड़ा रामधुन कराते हैं, लोगों ने कहा कुआं माता अगर खुश हो जाए, प्रयास किया उससे भी नहीं हुआ, बड़ी विचित्र हुआ। तब क्या, दूसरे दिन चौथे पांचवें दिन बहुत परेशानी हो गई गांव में, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, आखिर बात क्या है समझ में नहीं आ रहा, बड़े बड़े लोग बुजुर्ग गए, संयोग ऐसा उसी गांव से होकर एक संत गुजर रहे थे, भीड़ देखा उन्होंने, जब भीड़ देखा तो कहा आखिर इतना भीड़ यहाँ पर क्यों है, क्या बात है, संत सोचा कि कुछ पूछ लेते हैं, एक व्यक्ति से पूछा भाई यहाँ भीड़ किस बात की है, भीड़ क्यों है, तो कहा कि इस कुएं के पानी से बहुत दुर्गंध आ रहा है और पूरे गांव परेशान है, पानी प्यास से परेशान है, पी पी करके लोग बीमार हो रहे हैं, हैजा फैल रहा है, बर्बादी हो रही, मरने के तुल्य हो गए हैं, गांव में भयंकर समस्या आ गई, संकट विकट संकट आ गया है, इसीलिए इस पानी को क्यों दुर्गंध आ रहा है, उसी के समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। संत ने कहा कि हटो, थोड़ा भीड़ हटाओ, मैं देखूं। संत दयालु होते हैं, उनको रहा नहीं गया, आखिर बात क्या है, वो गए, गौर से देखा, दुर्गंध आ रहा था, वो समझ गए, संत जो है ना सूक्ष्म दर्शी, विवेकी और तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, ये मत समझिए कि पढ़ा लिखा नहीं है तो वो गोबर गणेश महाराज है, ये तो कभी भूल ही मत करिए, बहुत तेज ब्रेंड के होते हैं, ये मैं आज बता रहा हूं। तो देखा, वो समझ गए, कह सब लोग हल्ला शांत करो, मुझे पांच व्यक्ति दो जो इस कुएं में उतर सकता है, क्या कहा, मुझे पांच व्यक्ति दो जो कुएं में उतर सकता है, क्यों कुआं में तो सब नहीं उतर सकता ना, दिया पांचों जगह लाइन से लगाया और कुत्ते को नाक बंद करके एक दूसरे को पकड़ा करके दोनों कुत्तों को बाहर वहां से निकाला कुआं से और निकाल करके फेंक दिया और कुआं के पानी को भी फेंका, तब तक फेंका जब तक अच्छे पानी का स्रोत नहीं आ गया, जब फेंका कुआं का पानी का दुर्गंध दूर हो गया और फिर लोग पानी पीने लगे। कहने का मतलब है मंदिर में जाए, आश्रम में जाए, साधु बने, सत्संगी बने, पुजारी बने, लेकिन हृदय रूपी कुआं में यदि मैल है, मन अगर गंदा है, तो चाहे जितना पुजारी बन ले, चाहे हम जितना साधु बन ले, चाहे जितना बड़े हो जाएं, दुर्गंध आना ही आना है। वो कहानी, एक मुसलमान गंगा किनारे तिंडंगा में आया, वो कहता था कि मैं ऐसा पानी पीता हूं रोजा में कि खुदा भी नहीं जानता है। एक दिन पानी पिया, पी रहा था और कांटा वाला मछली जो है ठोठा में जाके फंस गया, बाप बाप करने लगा, चिल्लाने लगा, कर्म हल्ला हुआ, क्या हुआ, तो दोस्तों से बड़ा मोज पिजा करके वो कहता था दाढ़ी फेर के, अरे यार मैं ऐसे पानी पीता हूं कि खुदा भी नहीं जानता है।
जब चिल्लाया उस दिन तब उन्होंने कहा आज पता चला खुदा जान गया। कहने का मतलब है यदि हम अंधेरे में अंधेरी कोठरी में पताल में जाकर भी अगर सुधीर दास बुरा करेगा तो सुधीर दास का बुरा होगा और उसको बुरा का फल मिलेगा। इसमें कोई मुरव्वत नहीं है चाहे वो जितना पुजारी हो जाए। अगर पाप को सुधारने का रास्ता है पाप को काटने का रास्ता है तो संतों ने कहा पाप अगर काटना चाहते हैं तो पाप करना बंद कर दो। अगर अपने को सुधारना चाहते हैं तो बुरा करना बंद कर दो। बस सुधार होना शुरू हो गया। कोई बात नहीं एक लागे हर चीज नहीं होता। ये मत सोचिए आप कि तुरंत हो जाता है। आप कहेंगे बाबा ये तो बाबा और साधु और सत्संगियों का काम है हमसे कैसे होगा? हम तो एक सामान्य जीव है हमसे कैसे होगा? ये तो भगवान का काम है पवित्र होना शुद्ध होना। हम लोग तो कठपुतली हैं भगवान का। बड़ा अच्छा बहाना लोगों ने बनाया है साहब। हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा तरीका अपनाया है अपने को कमजोर करने के लिए कि भगवान जैसा करेगा वैसा ही होगा। क्या करें बाबा हमारे अंदर बुराई है हम लोग तो सामान्य इंसान हैं। ये सब बहाने ये सब अपने को बहाना करके कमजोर करने का काम है। आप सबल हैं तू तो सबल था हल्की तेरी चाल रंग कुरंगे रंग गया किया तू और लगवार। तू तो सबल था कबीर साहब ने कहा। कहने का मतलब है कि ये भगवान का नाम लेकर एक बौद्ध भिक्षु का घटना है। मैं अभी और तिंटिंगा में एक जगह कहा था टाइम नो होने वाला है सत्संग कब तक बंद करना है मुझे बता दीजिए। बोलेंगे गाएंगे हाँ सब तैयार है हम भी अब तैयार हो जाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। बस चाहे आप चोर हो डकैत हो लफंगा हो चाहे जितना गिरे हो लेकिन आप में वो सब बल है जो आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हाँ बस ध्यान देना है आप अपने अपनी गरिमा को पहचानिए अपनी शक्ति को पहचानिए। आप मनुष्य हैं आप चाहे तो धीरे धीरे ही सही धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आवे फल होए। आप लग जाइए अच्छा के दिशा में प्रयास करने के लिए आपको पता नहीं चलेगा आप में कब बदलाव आ गया आप कब बुराइयों को छोड़ दिए। आप लग जाइए बस। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे इस परिवार को हमारे आदर प्रिय सेवक भाव रखने वाले बड़ा स्नेह देने वाले हमारे दिवाकर बाबू दिवाकर जी उनके माता जी और सभी सत्संग प्रेमी जो भी यहाँ उपस्थित हैं आपने सत्संग कराया संतों को बुलाया ये संत सरोता को बुलाया समाज में ऐसा आयोजन किए बच्चों के उपलक्ष में। बच्चों को बहुत बहुत आशीष कि आप उन बच्चों पर जो भी हैं जिसके उपलक्ष में भी सत्संग कराए हैं सत्संग का कराने का मकसद है कि आज से अभी से आप संकल्प लें अगर आप जानते हैं कि मेरे जीवन में ये कमियां हैं संतों की कृपा से समझ में आई बात तो आप धीरे धीरे अपना सुधार करें। ये बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा उपहार होगा विरासत होगा धन होगा दौलत होगा। आप अगर अपने को परिमार्जित कर लेते हैं पवित्र करते हैं दादा दादी पापा मम्मी यदि आप लोग सुधार पर चलते हैं तो बच्चे तो क्या पूछना अच्छे होना निश्चित है ये मेरा वादा है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु महाराज की। आइए हमारे अजीत साहब से हम सब सुनते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।